मैं पापा और आप बेटा। एक्शन पापा। पापा 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 सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब दिमाग हिल गया है क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। टीजर ट्रेलर देखा, ठीक है, लगा कि यार एक बार के लिए हमने कहानी स्टोरी लाइन को डिकोड कर लिया, लेकिन भाई मूवी में आपको इससे बहुत बहुत ज्यादा मिलने वाला है। सबसे पहले यार बात करेंगे, ये क्या ही बंदा है रणबीर कपूर, क्या ही बंदा है। ही इज फकिंग सिंगर इन रॉकस्टार, ही इज डम इडियट एंड साफ माइंडेड ऑन बर्फी, ही इज चार्मिंग लवर एंड चॉकलेटी बॉय ऑन ये जवानी है दीवानी एंड तू छोटी है ममक्कार। कैरेक्टर कॉपिंग एंड मिमिक्स आर्टिस्ट में ओरिजिनल को फेल कर दिया इन संजू, और अब भाई ये एनिमल, भाई कितनी तारीफ कर दूँ इस बंदे की उतनी ही कम है। ही इज फकिंग वॉयलेंट, फकिंग मच मच नीडी फॉर फादर्स लव, मतलब किसी भी हद तक चले जाना एक बार के लिए, उस प्यार के खिलाफ चले जाना जिसके लिए वो सबसे लड़ता है। इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ साइको, पैथेटिक, वर्स लवर, हम्बल, रेस्पॉन्सिबल, समटाइम नीडी, समटाइम ग्रीडी, मोस्ट टिपिकल मैच्योर कैरेक्टर, नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स। ही इज लाइक ए एनिमल, सॉरी नो डाउट ही इज एनिमल। भाई साहब क्या ही कैरेक्टर है, मतलब नो लिमिट यार, नो रेगुलेशन, क्या ही लेवल का सिनेमा बनाया है संदीप रेड्डी वांगा ने। मतलब इससे पहले हमने कबीर सिंह देखी है इस बंदे की, हमें लगा कि भाई ऐसा इस हिसाब का, मतलब ऐसी विजन में और कोई मूवी ला ही नहीं सकता, लेकिन भाई एनिमल ये उस डायरेक्टर की मूवी है जिसने कबीर सिंह बनाया है 10 times बिगर देन। स्टोरी लाइन में फाड़ डाला है, उसके बाद म्यूजिक बीजीएम में फाड़ के रखा है, मतलब जो भी हमें स्टोरी से जितना हम एज्यूम कर सकते थे टीजर ट्रेलर के हिसाब से, उससे कहीं कहीं ज़्यादा इसमें देखने को मिला है। कैरेक्टर डिजाइनिंग में कैरेक्टर क्या ही दमदार डिजाइन किए हैं उस रणबीर कपूर को, भाई एक नहीं 2-3 कैरेक्टर में दिखाया गया है, बिल्कुल शार्प किया है। रश्मिका मंदाना को जबरदस्त तरीके से यूज किया है, बाद में बॉबी देओल भाई विलेन के रूप में कोई ऐसा विलेन भी क्रिएट कर देगा, मतलब लग रहा था अटली कुमार जो जवान में विजय सेतुपति को डिजाइन किया था, भाई संदीप रेड्डी वांगा ने बॉबी देओल को उससे कहीं कहीं ज्यादा लेवल में डिजाइन किया है। विलेन ऑफ द ईयर इस बंदे को बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, सभी चीजों पर बात करेंगे। म्यूजिक बीजीएम कैसा है, कैरेक्टर कैसे हैं, स्टोरी लाइन कैसी है, मजा आएगा नहीं आएगा, भाई जिस हिसाब का एक्साइटमेंट लेवल मेरा आप देख रहे होंगे, डेफिनेटली मजा आने वाला है। पैसा वसूल मूवी है, लेंथी है बट दमदार है, तो सभी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई रणबीर कपूर की एक्टिंग कहीं भी आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगी। सन एंड फादर्स लव बॉन्ड फुल डोमिनेटिंग पार्ट रहेगा इस मूवी का। ये मूवी एक ही नहीं 2-3 पार्ट में चलेगी भाई, कहीं रश्मिका और उसकी जो स्टोरी लाइन है वो अलग लेवल पर चलेगी, बॉबी देओल के साथ जो कंट्रोवर्सी है वो अलग लेवल पर चलेगी, लेकिन डोमिनेटिंग पार्ट यही रहने वाला है इस मूवी का। मैं कहूँगा ना बैकबोन, भाई रीढ़ की हड्डी है ये फादर्स एंड लव वाला बॉन्ड, इतना नीडी, इतना ग्रीडी अपने बाप के प्यार को पाने के लिए, मतलब आपको एक बार के लिए इतना जुड़ जाओगे खुद उस पर ना गुस्सा आने लग जाएगा अनिल कपूर की, यार भाई तू ये समझता क्यों नहीं है, ये बंदा कितना एफर्ट मार रहा है, इतना हेल्पलेस कैरेक्टर, ऑसम है, बहुत ऑसम है। उसके बाद लव स्टोरी का तड़का, रश्मिका और रणबीर कपूर की क्या ही केमिस्ट्री है यार, इस पे तो यार अलग से वीडियो आनी चाहिए। मतलब लव स्टोरी में हमें लगा कि ठीक है कबीर सिंह जैसा रॉ हजार्डस पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें बहुत ही जबरदस्त लेवल है, बहुत ही फाड़ है। उसके बाद बॉबी देओल के साथ कॉन्ट्रोवर्सी, भाई ऐसा विलेन, पहली बात तो इतना दमदार विलेन पहले तो आप सेट करो, देन एक हेल्पलेस कैरेक्टर जो फैमिली के प्रेशर से पहले ही परेशान है उस पर एक और प्रेशर डाल दो, फिर उसके बाद उसको टैकल करवाओ, फिर उसके बाद उसे इतना शार्प करो, बहुत सॉलिड कॉम्बो बैठते हुए नज़र आया है, मतलब बहुत ही हेल्पलेस कैरेक्टर, उसके बाद इन सारी चीज़ों से लड़ना, रणबीर कपूर को बहुत ही दमदार दिखाया। उसके बाद बॉबी देओल ने जो मारी है, जो रेड मारी है इस बंदे ने पूरी मूवी में, सॉलिड सॉलिड कमबैक, बहुत कुछ छुपा के रखा था बॉबी देओल के बारे में संदीप रेड्डी वांगा ने, इसलिए शायद टीजर में तो बहुत कुछ दिखाया भी नहीं था, ट्रेलर में छोटा सा पार्ट था, लेकिन जब मूवी आई है मूवी में इतना कुछ है बॉबी देओल को लेकर, आप फैन हो जाओगे, वर्ड ऑफ फैन हो जाओगे सही में। विलेन के रूप में इस बंदे ने कमबैक किया, लेकिन किसी भी हीरो से कम नहीं है यार इसमें। कि मूवी पूरी 3-4 पार्ट में चलेगी, बाप बेटे का जो कंट्रोवर्सी वो अलग चलेगा, उसके बाद अपनी खुद की फैमिली जो रश्मिका के साथ उसने शुरू करी है वो अलग लेवल पर चलेगी, बॉबी देओल के साथ जो कंट्रोवर्सी है वो अलग लेवल पर चलेगी,
बहुत 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 कुछ मिलने वाला है। नाउ टॉक अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्टर की क्या ही मतलब, कितनी तारीफ कर दें इस डायरेक्शन की। संदीप रेड्डी वांगा भाई, एसएस राजामौली का नाम हम सुनते हैं ना, वैसे ही मतलब डायरेक्टर का नाम आते ही हम एसएस राजामौली अपने आप अपने सामने आ जाते हैं, वैसे ही इमेज संदीप रेड्डी वांगा की भी होने वाली है, क्योंकि बहुत ही सॉलिड तरीके से जो लेंथी मूवी है 3 घंटा 21 मिनट, मतलब कब स्टार्ट हुई कब शुरू हुई पता भी नहीं चलेगा, फुल स्टार्टिंग से ही जोड़ के रखने वाला सस्पेंस आपको मिलेगा, समटाइम थ्रिलर भी आपको मिलेगा। देन टॉक अबाउट म्यूजिक एंड बीजीएम, बहुत ही सॉलिड एक्सपीरियंस होने वाला है। कबीर सिंह में जो हमने देखा था बीजीएम की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी, उस बीजीएम के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो सीन्स थे ब्लॉकबस्टर हिट हुए हैं। देन वो कबीर सिंह का मेन थीम बीजीएम वो था, उसी के हिसाब से एनिमल में जो बीजीएम यूज कराया गया है मच बिगर देन कबीर सिंह, मच 10 times बिगर देन कबीर सिंह। म्यूजिक ने बहुत ही सॉलिड रोल निभाया है इसमें, एक टाइप का वो रोमांस लव स्टोरी वाला म्यूजिक वो अलग लेवल पर जाएगा, उसके बाद वो इमोशनल सैड वाला अलग लेवल पर जाएगा, देन उसके बाद वो एक्शन मास मसाला में बीजीएम यूज कराया है, सस्पेंशनल म्यूजिक कहीं पर जो थ्रिल वाला म्यूजिक है वो यूज किया है, तो सब कुछ मिला के जो फाड़ा है ना, एक नंबर फाड़ा है जबरदस्त भाई साहब। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पोस्ट क्रेडिट सीन मत भूलना, क्योंकि आपको लगेगा कि मूवी खत्म हो गई है, भाई थोड़ा सा सबर कर लेना, पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत बहुत औसम है, पूरी मूवी एक नंबर है, बहुत शानदार है भाई, मैंने देखी है मजा आ गया, दैट्स माय रिव्यू, एक नंबर भाई, 5 out of 4 stars डेफिनेटली ठोंक के दूंगा इस मूवी को, आप लोग भी देखें मजा लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।